नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पारमिस्ट्री ज्ञान चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि अगर आपके हाथ में ये रेखाएं हैं या ये चिन्ह हैं तो आपको लॉटरी से, सट्टे से, आपको वसीयत से या गड़ा हुआ धन है उसके बारे में आपको बेनिफिट मिलने वाला है, आपके भाग जागने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखें, इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है कृपया आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आइए अपने हाथ की तीन मुख्य रेखाओं को देखते हैं। सबसे पहले हमारी ये जीवन रेखा। जीवन रेखा हमारे जीवन के एक एक स्तर के बारे में बताती है, घटना क्रम के बारे में बताती है। ये हमारी मस्तिष्क रेखा, हम किसी बात को कितना एक्सप्लेन करते हैं, कितना विचारों में, गहराइयों में जाते हैं उसके बारे में बताती है। हमारी हृदय रेखा, हृदय रेखा हमारा इमोशनल प्यार क्या है, हम किसी के साथ कितना अटैचमेंट है उसके बारे में बताती है। सबसे पहले देखते हैं आपके भाग में कैसे उन्नत होती है, कैसे लॉटरी से आपको बेनिफिट होता है या आपको वसीयत से कैसे बेनिफिट होता है या आपको गड़ा हुआ धन कैसे प्राप्त होता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, भाग की बात करते हैं, प्रबलता की बात करते हैं तो अपनी इस भाग रेखा को देखते हैं। भाग रेखा अगर हमारी मून के क्षेत्र से निकलती है, चंद्रमा के क्षेत्र से निकलती है, आपके जो जीवन में मिलने वाली चीजें हैं ज्यादा इंक्रीज करता है। मन है आपको चंचलता के बारे में बताता है कि आपका मन खुश है, आपकी जिंदगी में वो चीजें मिलने वाली है। अगर ये भाग रेखा चलकर आपकी चंद्रमा के क्षेत्र से शनि के मोड़ तक पहुंचती है, आपका भाग वैसे ही काफी प्रबल है, जिंदगी में आप ऊंचाइयों पर पहुंचने वाले हैं, आपको पत्नी का सपोर्ट मिलने वाला है, हर क्षेत्र पे आपको सपोर्ट करने वाले मिलेंगे, आपके फ्रेंड सर्कल आपकी सपोर्ट करने वाले मिलेंगे। और यहां पर अगर एक त्रिकोण बनता है, त्रिकोण आपके प्रॉपर्टी के बारे में बताता है, आपके पैसे के वृद्धि के बारे में बताता है। त्रिकोण कहीं भी हो, हस्तरेखा के पीरियड में आपको पैसे की इंक्रीज के बारे में ही बताता है। अब जैसे यहां पर अभी हमने अकूत धन प्राप्त के बारे में बताया है और ये हमारी सूर्य रेखा है। सूर्य रेखा के ऊपर अगर ये एक स्टार बनता है, ये सूर्य रेखा पे स्टार का होना आपके पावर को बढ़ाना, अचानक से इंक्रीज कर देना, आपके जो जीवन में होने वाली चीजें हैं आपको अचानक से मिल जाना, आपको जीवन के किस क्षेत्र पे मिलेगी, ये अगर आपकी सूर्य रेखा से, ये सूर्य रेखा से अगर ये त्रिकोण का साइन बनता है, ये त्रिकोण का साइन बनता है। भाग रेखा का प्रबलता, सूर्य की रेखा का उद्गम जो आपका यहां से निकल के आपके इस सन के माउंट पर पहुंच रही है, यह अचानक से वृद्धि करने वाली है, चाहे आपको लॉटरी से हो या वसीयत से हो या आपको गड़ा हुआ धन हो उससे आपको प्राप्त होने वाली है, क्योंकि यह राहु का क्षेत्र है। राहु अचानक से चीजें देता है, अचानक से चीजें आपको मिलकर मालामाल बनाता है। और ये राहु के क्षेत्र में अगर कोई भी रेखा इस शनि के क्षेत्र से निकलती है तो अचानक से चीजें आपको मिलती है। इसी के साथ ये हमारी जो भाग रेखा है, भाग रेखा जब भी हमारी शनि के क्षेत्र से निकलती है हमारे दो व्यवसाय के बारे में बताती है, हमारी बढ़ोतरी के बारे में बताती है कि हम किसी चीज को कितना अधिक मात्रा में एकत्रित करेंगे। और इसी ये हमारी जो मस्तिष्क रेखा है और ये हमारी जो हृदय रेखा है, इस दोनों रेखा के इस बीच में अगर ये कि यहां पर त्रिकोण बनता है, त्रिकोण आपके पैसे का इंक्रीज कर रहा है, यहां पे आपको बढ़ोतरी कर रहा है, ये प्रॉपर्टी से या आपको लॉटरी से इन चीजों को प्रोवाइड कर रहा, आपको देने के लिए सक्षम है। और उसी के साथ ये जो शुक्र का पर्वत है, शुक्र का पर्वत जो होता है भोग विलासत का के कारण
आपके मन में जो खुशियां हैं उसको इजहार करता है, आपकी सुख समृद्धि के बारे में करता है। और ये जो आपका गुरु का पर्वत है, गुरु का पर्वत आपका मान वृद्धि करता है, पैसे की अधिकता के बारे में भी बताता है। अगर ये गुरु का पर्वत है, यहां पर एक वर्गाकार है, वर्गाकार हमेशा प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही चीजें देता है। और ये जो गुरु का पर्वत है ऊंचा होना चाहिए, उन्नत का होना चाहिए। और इसी गुरु के पर्वत पे ये क्रोस का साइन अचानक से चीजें यहां पर देने वाला है, आपको अचानक से चीजें वो सारी मिलने वाली है। और इसी जीवन रेखा से एक रेखा गुरु के पर्वत पर पहुंचने का मतलब आपका जो भाग है काफी प्रबल है, आपको वो चीजें मिलने वाली है जिस भी क्षेत्र में हो, चाहे सरकार के क्षेत्र में हो या आप अपने बिजनेस के क्षेत्र में हो, आपको अपार सफलता देने का प्रयास कर रही है। इसी के साथ एक सफलता रेखा और मिलती है या एक वो प्रोग्रेस रेखा और मिलती है, तो आपके जीवन में हर चीजें मिलना संभव है। और इसी के साथ अगर ये हमारा जो शनि का माउंट है, शनि के माउंट पे ये पहला पर्व है, ये दूसरा पर्व है, ये तीसरा पर्व है। अगर यहां तीसरे पर्व पर एक वर्गाकार बनता है, ये आपको अचानक से चीजें प्रोवाइड करेगा, अचानक से चीजें आपको मिलने वाली है, अचानक से माला माल होने वाले हो। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।